हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। सो दोस्तों, आज की जो टॉपिक है, आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो थोड़ा गंभीर है टॉपिक। आज हम बात करने वाले हैं माल्टा की सक्सेस रेट और रिफ्यूज़ल के बारे में, कि जो माल्टा वर्क परमिट का इस समय सक्सेस रेट चल रहा है वो कितना है, कितने लोगों को वीज़ा मिल रहे हैं, कितनी रिफ्यूज़ल्स आ रही हैं, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। सो देखिए, जैसे कि माल्टा ने कुछ चेंजेस किए थे अपनी वीज़ा प्रोसेसिंग में, कि एक तो इन्होंने सबसे पहले तो एम्बेसी की जो फीस है वो इंक्रीज़ की, जो इनकी एक्सटेंडेड सर्विसेज इन्होंने नई लॉन्च की, जिसमें 250 यूरो ऑनलाइन पेमेंट जाती थी और 150 आपको VFS में जाके सबमिट करने पड़ते थे एम्बेसी फीस के तौर पे। लाइक 400 यूरो इन्होंने अब फीस कर दी है। तो उसके बाद कई लोगों ने बोला, हमें सुनने में आया कि अब वीज़ा जो है सबको मिलेंगे, सक्सेस रेट बढ़ेगा, कैसा रहेगा। तो 2 से 2.5 महीने इस बात को बीत चुके हैं, मे बी 3 महीने हो गए। तो इस समय जो करंट अगर हम सक्सेस रेट की बात करें तो वो बहुत कम है। अगर हम 10 लोग वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, 10 लोग वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो 5 या 6 को वीज़ा मिल रहे हैं। और ये भी मैं आंकड़े बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, हालांकि 50-50 आप लगा लो, बट हम एक्यूरेट अगर इन्फॉर्मेशन पे जाएंगे तो 60-40 हम बोल सकते हैं कि 60% ही वीज़ा आ रहा है, 40% तो वीज़ा आ ही नहीं रहे हैं। तो इसके क्या रीज़न है? देखिए, सबसे पहले तो हर बंदे की प्रोफाइल अलग होती है। सबसे पहली बात तो ये है कि हम किसी की प्रोफाइल को किसी की प्रोफाइल के साथ मैच नहीं कर सकते हैं। आपने बात का ध्यान क्या रखना है, देखिए वीज़ा लगना ना लगना एक अलग टॉपिक आ जाता है, कि वो हमारे हाथ में नहीं है। हम अपनी तरफ से बेस्ट कर सकते हैं, बेस्ट फाइल सबमिट कर सकते हैं, पूरे डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं। कई लोग बोलते हैं कि आपने हाउस एग्रीमेंट गलत लगाया, कोई कहता है आपकी ये मिसिंग है, कोई कहता है कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग है। तो देखिए, मोस्ट प्रोबेबली जो अगर हम बात करें, जो माल्टा में जो भी लोग डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं, माल्टा से जो भी डॉक्यूमेंट जाते हैं, ऑलमोस्ट पूरे होते हैं, हर डॉक्यूमेंट पूरे होते हैं। क्योंकि अगर डॉक्यूमेंट आपके पूरे नहीं होंगे तो आपकी फाइल सबमिट नहीं होगी। तो इसमें एक सबसे पहले बात तो लक फैक्टर है बहुत ज़्यादा, कि अगर आपका लक अच्छा है, आपकी किस्मत बहुत अच्छी है, किस्मत में लिखा है कि आप यहाँ होंगे तो आपको वीज़ा मिल जाएगा। वो बात अलग है कि डॉक्यूमेंटेशन से भी फ़र्क पड़ता है, आपका एम्प्लॉयर कौन है, किस कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं। सबसे अहम बात यहाँ पे आती है, देखिए इस समय जो करंट सिनेरियो है, यहाँ पे जो फूड डिलीवरी ड्राइवर हो गए या टैक्सी लाइन में हो गए, तो इसमें दिक्कत क्या है कि यहाँ ऑलरेडी फूड डिलीवरी ड्राइवर बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। तो फूड डिलीवरी में वीज़ा सक्सेस रेट इस समय बहुत कम है, ना के बराबर है। अगर हम किसी और प्रोफेशन की बात करें, अगर स्किल्ड जॉब की बात करें तो वीज़ा आ रहे हैं। अनस्किल्ड जॉब्स में जैसे कि फूड डिलीवरी ड्राइवर की यहाँ मैं बात करूँगा, तो उनके वीज़ा सक्सेस रेट इस समय बहुत कम है, बहुत ज़्यादा रिफ्यूज़ल्स आ रही हैं। और इसमें एक अहम बात ये भी होती है कि आप किस कंपनी में अप्लाई कर रहे हो। अगर देखिए, आप किसी अगर फ्लीट के थ्रू, जैसे कि माल्टा में ऑलरेडी काफ़ी सारी फ्लीट्स ओपन है, तो आपको ये भी चेक करना पड़ चाहिए कि अगर आप किसी एजेंसी के थ्रू आप फाइल अपनी सबमिट करा रहे हैं, तो वो जिस फ्लीट में अप्लाई कर रहे हैं उस फ्लीट में लोगों की रिक्वायरमेंट है भी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनको लोग 20 चाहिए और वो उन्होंने फाइल अप्लाई करा दी 50 लोगों की। तो आइडेंटी माल्टा का क्या काम है, सेंट्रल वीज़ा यूनिट का क्या काम है, उन्होंने वो चेक करना है कि हाँ, ये कंपनी ने वर्क परमिट इशू किया है। इस वर्क परमिट में इशू तो इन्होंने 50 लोगों का कर दिया, बट एक्चुअल में उस कंपनी के पास उतनी रिक्वायरमेंट है भी कि वो उतने लोगों को सैलरी दे सके, उसका पूरा बैकग्राउंड भी चेक होता है। तो आपने इस बात का भी बहुत ध्यान रखना है कि आप किस कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं। अगर कंपनी बड़ी है तो ऑब्वियसली उनके पास जो मैन पावर होगी वो भी ज़्यादा होगी, उनको मैन पावर भी ज़्यादा चाहिए होगी। तो इन सब चीज़ों का भी हमें ध्यान रखना है कि हम किस कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं, कंपनी अच्छी है नहीं है, कि हमने जस्ट अप्लाई कर दिया कि एक फ्लीट में हमने एक कंसल्टेंसी में एजेंसी में अप्लाई कर दिया और उस एजेंसी के पास उतनी मैन पावर बुलाने की क्षमता है, वो बुला सकते हैं इतने लोगों को कि नहीं। तो इन सब बातों का भी हमें ध्यान रखना है, बाकी मायूस होने की बात नहीं है। देखिए, ऑल अबाउट लक है, जैसे कि मैंने पहले बोला, कईयों को वीज़ा मिल भी रहे हैं और बहुत रिफ्यूज़ल्स भी आ रही हैं। तो ध्यान रखिए कि आप किस कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं,
उसका भी मेन होना चाहिए कि उनका बैकग्राउंड अच्छा है। तो फिलहाल ये वीडियो बनाने का मेरा यही मोटिव था कि मैं आपको बताऊं कि इस समय जो करंट सिनेरियो है, वीज़ा सक्सेस रेट क्या चल रहा है। जैसे कि नई सर्विसेज आने के बाद हमें पता लगा कि बहुत वीज़ा आने वाले हैं, ऐसा होने वाला है, ऐसा होने वाला है। फिलहाल तो देखिए उससे अपोजिट हुआ है, लास्ट ईयर जितने वीज़ा आए थे उससे आधे भी वीज़ा इस साल नहीं आए हैं। तो ये करंट सिनेरियो है माल्टा का। बाकी कोई अपडेट आएगी तो मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। और मिलते हैं एक अगले नए इन्फॉर्मेशन के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तो थैंक यू सो मच।